ठीक है बाबू, बाकी सब शिवांगी शिवम रिस्का चलिए अच्छी बात है ना। देखिए बाबू क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बाबू, जिस जो आपको छोड़े थे ना उसी का एक और टाइप कर देते हैं, उसके बाद बाबू आप नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या है, क्वेश्चन नंबर पी पी प्लस क्यू बाबू, पी प्लस क्यू या पी एंड क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड क्यू बाबू टूगेदर टूगेदर बाबू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए बाबू पीस ऑफ वर्क वर्क इन 10 डेज, 10 डेज बाबू। क्यू एंड आर बाबू कैन डू द सेम वर्क बाबू, सेम वर्क इन 12 डेज, 12 डेज बाबू, ठीक है। पी एंड क्यू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, क्यू एंड आर 12 डेज, एंड बाबू पी क्यू क्यू आर आर पी, एंड बाबू आर पी कैन डू द सेम वर्क बाबू इन 15 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बाबू, इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट बाबू इन हाउ मेनी डेज बाबू दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है। इस टाइप का करवा दिया आप लोग, पहले 2 मिनट में करके देखिए तो आता है क्या करा बाबू। पी प्लस क्यू किसी वर्क को बाबू 10 डेज में कर रहे हैं, क्यू प्लस आर उसी वर्क को 12 डेज में कर रहे हैं, और आर एंड पी सेम वर्क को बाबू कितना 15 डेज में कर रहे हैं। जल्दी से कीजिए तो डू इट फास्ट बाबू, किसको किसको आता है म्यूट कर लीजिए बाबू। जल्दी से कीजिए, कितना आता है, कौन बनाता है, बनाइए रोहित बाबू, सतीश बाबू बनाइए। क्या बाबू फिजिक्स लाइट पढ़ा रहे थे जो, लाइट क्या बाबू फिजिक्स का लाइट पढ़ा रहे थे वो नहीं होगा। अरे बाबू फ्राइडे सैटरडे होता है, सब दिन लाइटें पढ़िएगा, फ्राइडे सैटरडे को होता है लाइट, फ्राइडे सैटरडे को होता है। हाँ बाबू पहले वीडियो ऑन कीजिए ना, आप वीडियो बंद करके पर्दे के अंदर बोल रहे हो। नो सर, सर मंडे से लेकर थर्सडे तक रहता है। हाँ एक डे। हाँ बाबू सर, तो तीन दोनों चीज करिए ना सर, एक डे। अच्छा एक डे, आप किसका है, इसको बनाइए ना, आप लोग खाली गप करते हैं, जल्दी से बनाइए इसको। ये हमारी रिस्का नहीं आई है, शिवांगी नहीं आई है, शिवम शिवम आ गया है। ये सब जो बड़कन है ना, बड़का बड़ा वाला शैतान है, टाइम पे आता ही नहीं है। शिवम हो गया, सोया हुआ रहेगा, शिवानी वो तो आ जाती थी बाबू। रिस्का जल्दी से कीजिए बाबू, हो गया सनी, सनी बाबू हुआ। नो सर, आज आपका फर्स्ट क्लास है मैथ वाला बाबू। यस सर, तो समझ में तो नहीं ना आएगा बाबू, इसीलिए कह रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, मम्मी का नंबर दीजिए आपको बताएंगे कैसे कैसे पढ़ना है जो। तो आप शाम में फ्री हो ना सनी बाबू, सनी कितना बजे सर, 7 से 8 बाबू, 2 बजे आपको करना, आपको 2 बार दवा खाना है। यस, सुबह शाम दोनों। शिवम शिवानी कहाँ रह गए, शिवम बाबू सर हम भी पढ़ रहे हैं सर। तो वो कहाँ सर, शिवम कहाँ चला गया सर, हम दोनों इसी से पढ़ रहे हैं। अच्छा अभी ग्राम पे बाबू, शिवानी बाबू
यस सर। चलिए ठीक है, देखिए शैतान क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट दिन करवा दिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट दिन करवा दिए थे, ठीक है ना, लास्ट डे करवा दिए थे। क्या करे बाबू, पी एंड क्यू टूगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब क्या, क्यू क्यू मान लो ना राम श्याम है ना, तो कितना दिन में काम को क्या बाबू, 10 दिन में करता है ना, तो एक दिन में पहले निकालो, एक दिन में निकालो बाबू, तो कैसे निकालोगे, पी प्लस क्यू का बाबू 1 डेज वर्क निकालिए, पी प्लस क्यू का बाबू 1 डेज वर्क निकालिए, ठीक है। तो 1 डेज वर्क क्या निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे, 1/1y नंबर ऑफ डेज, नो मत पढ़ना मेरे शैतान, ठीक है ना, नहीं तो सर 8 डेज आता है आंसर। हाँ मेरे शैतान, वाह लगता है आपको फायदा कर रहा है क्लास, अब धीरे धीरे लगती है ट्रैक पे अब आ रही है, वाह बाबू अच्छी बात है। तो आप उससे बड़े वाले शैतान से बाहर निकलिए, तो आगे निकलिए उससे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, रिक्वायर टू बाबू कंप्लीट द वर्क। सन्नी बाबू थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना, आपका फर्स्ट डे है तो समझ में थोड़ा काम आएगा। पी प्लस क्यू का 1 डेज वर्क क्या निकालेंगे बाबू, 1/1 कितना दिन में वर्क को कंप्लीट किया, तो पी प्लस कितना 10 डेज लिख रहा बाबू, तो 1/10 हो गया। ये क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये क्या वन, ये कितना वर्क है, ध्यान दीजिए बाबू, इतना वर्क है ना, इतना क्या बाबू वर्क है, मैंने टोटल वर्क अगर 1 मानो, टोटल वर्क को हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कितना माने, 1 मानेंगे, टोटल वर्क को 1 मानेंगे, तो 1 का 10वां हिस्सा वह काम करेगा कितना दिन में, 1 दिन में, 1 काम का 10वां हिस्सा, 1/10 का मतलब क्या होता है, 1 काम का 1/10वां हिस्सा है ना बाबू, 1/10 का ये होता है ना, 1 काम का 1/10वां हिस्सा है ना। तो इसी प्रकार बाबू इसका निकालिए, क्यू प्लस आर का निकालिए, क्यू प्लस आर का बाबू 1 डेज वर्क निकालिए, 1 डेज वर्क निकालिए, तो कितना हो जाएगा, क्यू प्लस आर कितना दिन में कर रहा, 12 डेज में कर रहा, तो 1/1 क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, तो इतना वर्क हो गया। मतलब क्या सर, अरे मेरे शैतान, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या कि क्यू प्लस आर एक दिन में एक काम का कितना हिस्सा करेगा, 12वां हिस्सा करेगा। मतलब तुम्हारे पास 1 रुपया, तो 1 रुपया में क्या है, 100 पैसा है ना, तो 100 पैसा तो मान लो टोटल कितना हो गया, 100 पैसा हो गया, तो एक दिन में कितना कमाओगे, ठीक है ना, तो वही 1/12 है ना, 12वां हिस्सा कर रहा टोटल वर्क का मेरे शैतान, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, टोटल वर्क का क्या करा, 12वां हिस्सा, तो टोटल वर्क कितना है, 1 है, उसका 12वां हिस्सा काम करेगा, 12th पार्ट वर्क करेगा कितना दिन में, 1 दिन में। इसी प्रकार बाबू कितना है, आर प्लस पी है, आर प्लस पी का 1 डेज वर्क निकालिएगा, ठीक है, आर प्लस पी का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, इतना वर्क हो जाएगा, कैसे सर 15 डेज में ना, तो 1/15, तब बाबू सभी का 1 डेज वर्क निकाल लीजिए, सभी को जोड़िए, तो क्या क्या है सर, पी प्लस क्यू प्लस बाबू क्या है, क्यू प्लस आर प्लस बाबू आर प्लस पी का 1 डेज वर्क निकालिए, 1 डेज वर्क, जितना भी टाइप का टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन होगा ना बाबू सब करवा देंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी का 1 डेज वर्क कितना होगा, इसको ऐड करो, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 है ना, यहाँ से इसको देखो, पी पी दो गो, क्यू क्यू दो गो, आर आर कितना बाबू, 2 आर है, तो इसको ऐड करो बाबू तो 2 आ जाएगा, सभी 2 है ना, तो 2 आ जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 2p प्लस 2q प्लस 2r हो जाएगा है ना, का 1 डेज वर्क, क्या बाबू 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, इसका एलसीएम लो, 180 इसका एलसीएम होगा ना, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 60 भी आ सकता है बाबू, एलसीएम 60 भी आ जाएंगे, 60 ले लीजिए एलसीएम, 60 सर, 60, चलिए अच्छी बात है। तो ये कितना 6 हो गया, प्लस 5 हो गया, अब प्लस 4 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया, 15 बाई कितना हो गया बाबू 16 हो गया, इसको कट करो बाबू तो कितना जाएगा, 1/4 लिखिए जल्दी से, लिखिए बाबू, श्वेता कुमारी, श्वेता कौन है बाबू, श्वेता कुमारी, कोई श्वेता बाबू, वीडियो ऑन कीजिए, अच्छा और शैतान वीडियो ऑन करो, अभिनय प्रकाश बाबू आप लोग को इतना कहना पड़ेगा, अटेंडेंस में काट देंगे, अभिनय प्रकाश का कौन, श्वेता कुमारी बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आ गए हमारी रिश्ता, आने दीजिए जल्दी से लिखिए, कहीं वो है कट तो नहीं है,
नहीं बाबू, अब चैट भी नहीं करेगा, स्क्रीन शेयर भी नहीं करेगा, अब हम लोग शांति से पढ़ेंगे। yes, ठीक है ना? और रिमूव करेंगे तो दोबारा ज्वाइन भी ना होगा, कितना परेशान करेगा। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। ये हमारी शिवांगी आज नहीं आई। सर आ जाएगी, आ जाएगी, बहुत पढ़ती है। श्वेता बाबू कौन हो? श्वेता नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, नहीं बोलिएगा तो रिमूव कर देंगे। अमित शैतान वीडियो ऑन करो, अमित बहुत रिक्वेस्ट करवाता है भाई। बाबू अपने पेरेंट्स का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे यहाँ, छोड़ दो ना पढ़ने के लिए। 1000 रुपया लगता बाबू तो उसका कर्ज चुकाइए, कम से कम 1000 रुपया लगते तो 10,000 का कॉन्सेप्ट सीखिए, तब ना फायदा करेगा। वीडियो बंद करके सीखती हूँ ना सर। आप तो पैसा वसूल, आप तो ज्यादा लेते हो बाबू, आपका तो कहना नहीं, आप छोड़ ठीक है बाबू लिख लिए। तो क्या निकल गया सर? 2Q+2Q+2R का 1 day वर्क निकल गया। रिश्का बाबू आ गया आप, रिश्का कि तो कोई दूसर कोई है तो यहाँ से बाबू क्या निकालेंगे? 2 common ले लो सर, हम ही है। अच्छा आप ही है बाबू, वेरी गुड बाबू। तबीयत कैसा बाबू? सर मैं तबीयत ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छी बात, वेरी गुड बाबू। तो पीछे वाला सब कंप्लीट किया बाबू, जितना छूटा आपका? सर कंप्लीट है टोटल। वाह बाबू, देवीलाल सर तो बंदे कर दिए, तो क्या करें। देखिए बाबू क्या, 2+2 common ले लो तो 1/4 है, तो 2 इधर फिर बाबू 3+3 है ना, तो 2 को इधर जाएगा ना। अरे शैतान ऐसे बाबू, 1/4 इंटू 2 इधर भेजोगे तो डिवाइड में होगा, 1/8 हो गया। तो P+Q+R का बाबू 1 day वर्क कितना हो गया? 1/8 हो गया। तो नंबर कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसको रिवर्स कर दो। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू कितना बाबू? 1/1 day वर्क। सन्नी बाबू समझ में आ रहा है कि चला गया? लगता है समझ चला भी गया होगा ना, नहीं ना समझ में आएगा उसको। आ रहा बाबू, है बाबू 1/ बाबू 1/8 कितना हो जाएंगे? 8 days में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे, लेवल अब दूसरा चेंज करेंगे। जल्दी से लिखिए, लेवल चेंज करेंगे बाबू। चलिए सभी का वीडियो ऑन है। कुंदन बाबू कौन हो? कुंदन अमित ऑन किया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद ऑन किया कुंदन बाबू, नहीं तो बाहर कर देंगे। वीडियो ऑन कीजिए कुंदन। सर आप बाबू, अरे आप इतना नाम क्यों चेंज करते हो सतीश बाबू? मेरे भैया पढ़े सर रिनेम करके। चलिए आ गए शिवांगी, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन का लेवल हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना? जितना भी टाइप का है ना, आप ये बुक का बना लेना, टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना? सब टाइप आपको बता देंगे, है ना? तो ये अदर टाइप है। नेक्स्ट बाबू हम लोग अदर टाइप करेंगे, ठीक है ना? अदर टाइप करेंगे मतलब क्या सर? लिख लिए सभी? लिख लिए सर बाबू? सर लिख लिए? हाँ सर। नो सर। सर अमित आप दोनों का बैच यही है, मेन बैच यही है, वो शाम वाला समझिए कि आपका फ्री वाला है, फ्री नहीं, उसमें आपका बैकअप चलेगा। मेन बैच आपका इसी में है, टेस्ट जो भी देना इसी में देना, उसमें भी दीजिएगा, लेकिन उसमें ज्यादा ये आपका पार्टिसिपेंट नहीं होगा। शाम का क्लास क्या बाबू? शाम को क्लास फ्री हुआ था। हाँ बाबू शाम को क्लास हुआ था। सर शाम को क्लास हुआ था सर? आप लोग के लिए नहीं हुआ था बाबू, वो जो बैकअप क्लास था वो 9 to 11 हुआ था बाबू। कल 5-6 घंटे क्लास हुए थे, ठीक है ना? उस पर दिमाग मत लगाइए, इधर लगाइए, आप अपना क्लास पे ध्यान दीजिए। खाली फालतू के बार बार बोल रहे हैं, गार्जियन का 1000 रुपया आप हमको दे रहे हो ना बाबा, उस हमसे 10,000 वसूलिए ना, 10,000 का कंसेप्ट लीजिएगा तब ना सक्सेस कीजिएगा। लेते हैं आपसे। चलिए ठीक है बाबू, इसका भी रेज कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट बाबू हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, किस टाइप का सर, किस टाइप का समझा देते, किस टाइप का करेंगे, ठीक है ना। देखिए बाबू, मान लो जैसे मान लो क्या है, सतीश हो गया या सौम्य, चलो ठीक है वो दोनों लेते हैं, भाई बहन को लेते हैं। जैसे शिवम हो गया बाबू और शिवानी हो गया, दोनों मिलकर मान लो होमवर्क कंप्लीट किया 30 डेज में, ठीक है, शिवम शिवानी। अब बाबू उसके बाद क्या हुआ, ठीक है ना, और शिवम अकेले अगर होमवर्क करता है बाबू, शिवम अकेले अगर होमवर्क करता है तो मान लो कितना 40 डेज में कर रहा, दोनों मिलकर बाबू 30 डेज में कर रहा, ठीक है, और शिवम अकेले करता बाबू तो 40 डेज में करता, ठीक है ना, ठीक है। अब बाबू क्या है, मान लो कि पांचे दिन तक काम किया, क्या क्या बाबू, पांचे दिन तक काम किया, अगर पांचे दिन तक बाबू काम करता है, ठीक है ना, पांचे दिन तक काम करता है, ठीक है, तो रेस्ट काम को वह कितने दिन में करेगा, नहीं समझ में आया, अरे मेरे शैतान, चलो छोड़ो, ऐसे समझो, देखो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, पहले समझो क्वेश्चन। मान लो शिवम है, अपना होमवर्क किया 10 डेज में, ठीक है, शिवानी है, ठीक है बाबू, ये अपना होमवर्क कर रही है 15 डेज में, ठीक है, और ये दोनों मिल के बाबू, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ अगर 5 दिन के लिए काम करते, दे वर्क टुगेदर फॉर फाइव डेज, मतलब ये अकेले किसी काम को 10 दिन में किया, ये अकेले किसी काम को 15 दिन में किया, दोनों मिल के बाबू 5 दिन, दोनों मिलकर 5 दिन तक वर्क करते हैं, मान लो कि 5 डेज तक वर्क करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसी में बोलता अब हम नहीं करेंगे, शिवम का अब हम नहीं करेंगे, शैतान है, तो जो बाकी वर्क बचेगा बाबू वो शिवानी कितने दिन में करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है ना। मतलब दो आदमी है किसी का, एक आदमी एक काम को 10 दिन में किया, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में किया, और दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करता, फिर एको शैतान होता, कहता अब हम जाते हैं, हम नहीं करेंगे, तो बाकी वर्क बचेगा ना बाबू, तो वो जो वर्क बचेगा, ठीक है ना, तो बचे हुए वर्क को दूसरा आदमी कितने दिन में करेगा, सही, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी को आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, जितना भी टाइप पॉसिबल होगा वो सब बता देंगे, देखो कैसे हैंडल करना, ठीक है, देखो बाबू कैसे हैंडल करना। जैसे मान लेते बाबू स्टार दे देंगे, मोहन एंड सोहन कंप्लीट अ वर्क, बाबू कंप्लीट अ वर्क इन, म्यूट कर लीजिए बाबू, म्यूट कर लीजिए, 25 डेज म्यूट कर लीजिए बाबू, एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, 20 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या सर, मोहन सोहन है ना बाबू, मोहन अकेले 25 दिन में किया, सोहन अकेले 20 दिन में किया रिस्पेक्टिवली, ठीक है बाबू, दे नेक्स्ट बाबू, दे वर्क टुगेदर, आ गए शिवांगी, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, शिवांगी, यस सर, एंड मोहन गोज अवे बाबू, इन हाउ मेनी डेज बाबू, बिल सोहन, क्वेश्चन लिखने में बाबू बोर्ड भर जाता, बिल सोहन कंप्लीट द वर्क 11 डेज बाबू, बिल सोहन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क सर, मैं मम्मी के नानी घर आई हूँ, ठीक है बाबू, किसी का नानी घर जाए उससे हमको क्या मतलब, हमारा क्लास नहीं छोड़ना चाहिए बस, देखो पहले क्वेश्चन समझे बाबू, 11 डेज, हाँ बाबू सही है, ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को कल फीवर आया हुआ था तो इसलिए, अच्छा ठीक है, क्या करें बाबू, मोहन एंड सोहन कंप्लीट है वर्क 25 डेज और 20 डेज, अरे ठीक है शैतान, समझाने तो दीजिए, हम नहीं बोल रहे थे, अच्छा ठीक है बाबू, क्या करा कि मोहन और सोहन, मोहन मान लो किसी काम को, मान लो उसको घर बनाना था, 25 दिन में काम घर बनाया, सोहन अकेले उस घर को बाबू 20 दिन में बनाया, दोनों मिलकर 5 दिन तक वर्क करता बाबू, बात पहले क्वेश्चन समझिए, दे वर्क टुगेदर बाबू फॉर 5 डेज, 5 दिन तक दोनों मिलकर काम बना, अकेले 25 दिन में किया, वो अकेले 20 दिन में किया, अब कहता कि 5 दिन तक दोनों आदमी, चलो हम मिलकर काम करते, म्यूट कर लीजिए ना दोनों बाबू, क्या 5 दिन तक मिलकर काम करता, ठीक है ना, 5 दिन तक मिलकर काम किया, अब मोहन बेचारा भाग गया, फिर मोहन को कोरोना हो गया बाबू, वो भाग गया, मोहन गोज, मैंने 5 दिन तक वर्क मिलकर काम किया, फिर मोहन को कोरोना हो गया, वो चला गया, तो कह रहा बाबू तो अभी तो कम वर्क कंप्लीट नहीं ना हुआ, तो जो बचा हुआ वर्क होगा बाबू, उस सोहन को अभी कोरोना नहीं हुआ, तो सोहन उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन है बाबू, ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ना,
जितना भी टाइप है सबको आपको बता देंगे। क्वेश्चन समझ में आया अभिनव आनंद बाबू आनंद? यस सर। अरे क्वेश्चन देखो म्यूट कर लो ना, किसका खरखुर की आवाज आ रही है इतना। समझ में आया, एक बार फिर से समझा। पहले किसका अनम्यूट है, चले ठीक है। हम आपको क्या करें, जैसे मान लो बाबू मोहन और सोहन एक घर बनाता है, ठीक है, कहाँ से आवाज आ रहा है वो तो हम ही तो देख रहे हैं। देखिए ना किसका अनम्यूट है, उसको रिमूव कर देंगे। श्वेता कुमारी, ठीक है उसको रिमूव कर देंगे। नहीं है श्वेता कुमारी, नहीं है सर। हाँ मतलब वो नहीं है, अभी नहीं आई अभी तक। रिमूव कर देंगे। हाँ सर रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर रहे हैं श्वेता बाबू आपको, नहीं तो म्यूट कीजिए, नहीं तो रिमूव कर रहे हैं। तभी तक आवाज आ रहा है। हाँ बाबू उसको रिमूव कर रहे हैं बाबू, चलिए ठीक है, उसी से ही रहा था, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे बाबू कि देखो देखो शिवांगी, मोहन एंड सोहन कंप्लीट वर्क 25, मोहन किसी वर्क को बाबू 25 दिन में किया, सोहन मान लो मोहन मकान बना रहा था 25 दिन में मकान को बनाया, सोहन 20 दिन में बनाता, ठीक है ना। अब दोनों मिलकर बाबू कहता कि हम 5 दिन तक वर्क करेंगे, मोहन सोहन मिलकर 5 दिन तक वर्क किया एक साथ, है ना। फिर बाबू क्या हुआ कि मोहन को कोरोना हो गया तो वो चल गया काम छोड़कर, अभी मकान आपका नहीं ना, दोनों मिलकर बनाएगा ना बाबू, तो 5 दिन तक काम किया तो अभी तो मकान कंप्लीट नहीं हुआ, तो बचे हुए मकान को कौन बनाएगा, सोहन बनाएगा। तो सोहन जो बचा हुआ मकान है उसको कितने दिन में बनाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है ना, जितना भी टाइप है ना सब बता देंगे। तो मोहन का वन डेज वर्क निकले तो बाबू, पहले मोहन का बाबू वन डेज वर्क कितना होगा, ठीक है। तो मोहन वन डेज वर्क कितना होगा, 1/25 हो गए, 1/5 नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा, तो 25 दिन में कंप्लीट कर रहा, तो 1/25 हो गया, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा प्रकाश सिंह? प्रकाश सिंह यस सर। सोहन का बाबू वन डेज वर्क कितना हो जाएगा, सोहन कितना दिन में किया, 20 दिन, 1/20 हो जाएंगे, है ना, ठीक है बाबू। तो मोहन प्लस सोहन का एक दिन में बाबू क्या कर वर्क टूगेदर ना, तो मोहन प्लस सोहन एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, मोहन प्लस सोहन बाबू का कितना वन डेज वर्क। इस टाइप का देखो, जब भी नेक्स्ट क्लास अटेंड करो बाबू तो पीछे वाला क्लास रिवीजन करके करो तो अच्छा, आगे वाला क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं पीछे वाला रिवीजन करके करिएगा तो नहीं ज्यादा समझ में आएगा। रिस्का चली गई बाबू, रिस्का लती चली गई, नहीं है ये है, ठीक हो। तो मोहन प्लस सोहन का वन डेज वर्क कितना होगा, तो मोहन का दोनों को मिला, हाँ बाबू दोनों को मिला दीजिए तो 1/20 कितना हो जाएगा, 25 + 1/20 यही होगा। मोहन का वन डेज वर्क, सोहन का वन डेज वर्क, दोनों को ऐड कर दो तो इसको एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बाबू, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, 9/100 आ जाएगा। तो ये क्या है, वर्क है बाबू, इतना वर्क है। तो मोहन प्लस सोहन एक दिन में इतना वर्क कर रहा है ना, एक दिन में इतना वर्क कर रहा है बाबू, एक दिन में कितना वर्क किया, इतना वर्क किया मोहन प्लस सोहन, है ना। देखो अब यहाँ से समझो, यहाँ से समझना बाबू, यहाँ से थोड़ा समझने की बात है ना, एक मिनट में वीडियो बंद होगा पुनः कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ स्टार देते बाबू। देखो मोहन प्लस सोहन का एक दिन में इतना वर्क कर रहा, हमको कितना दिन तक मोहन प्लस सोहन किया, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन तक वर्क साथ किया ना बाबू, 5 दिन तक ना, तो एक दिन में इतना कर रहा है तो 5 डेज वर्क कैसे निकालोगे, मोहन प्लस सोहन है ना बाबू, मोहन प्लस सोहन का वन डेज वर्क इतना है तो 5 डेज वर्क कितना होगा, 5 डेज वर्क, समझने वाला है बाबू थोड़ा सा। एक दिन में सर इतना काम किया तो 5 दिन में कितना, एक दिन में इतना किया तो 5 दिन में और ज्यादा काम करेगा ना, तो और ज्यादा काम किया क्या होगा, 45/100, ठीक है बाबू 9/100 हो गया, कितना एक दिन का वर्क है ना, तो 5 दिन का था ना, तो 5 दिन में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको कट करो, ये 20 times 9/20 आएगा, ठीक है बाबू ठीक है। तो 5 डेज मोहन सोहन का कितना बाबू, 5 डेज का वर्क निकल गया, मतलब टोटल वर्क का बाबू 19/9, टोटल वर्क का 9/20 क्या वर्क कंप्लीट किया, है ना। समझ में आ रहा, हमको टेंशन हो रहा बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, यस सर बहुत अच्छे से आ रहा है। अभिनव प्रकाश आपको,
अरे बाबू शिवम बाबू हमको शिवम आपको बाबू शिवम हैकर आया था। अरे छोड़ो आप ये सब उस पे क्यों ध्यान देते बाबू हैकर आया ये क्यों उधर